बच्ची कौन? नमस्ते आंटी, मैं ऋचा। अभी कुछ दिनों पहले ही इसी कॉलोनी में शिफ्ट हुई हूँ, घर नंबर 501 में। अच्छा अच्छा, तो बताओ बेटा यहाँ कैसे आना हुआ? आंटी वो एक्चुअली आज मेरे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स डिलीवर होने थे और मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, तो आप क्या प्लीज़ उन्हें रिसीव कर लोगे? बेटा देखो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं कि तुम कौन हो, और फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट मैं कैसे रिसीव कर सकती हूँ? एक्चुअली आंटी मैं यहाँ किसी और को जानती नहीं हूँ, वरना मैं आपको इतना परेशान नहीं करती। और उसमें मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे आज ही मेरे लैंडलॉर्ड को देना है वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ बेटा, मगर आंटी प्लीज़ मना मत करिए, बड़ी मुश्किल से इस शहर में घर मिला है, वो भी हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी रिसीव। थैंक यू सो मच आंटी, आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतना परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा। ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। ओके आंटी। जी कहिए। मिस ऋचा? नहीं मेरा नाम ऋचा नहीं है, मैं शोभा। झूठ मत बोलिए, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर ड्रग्स का पार्सल डिलीवर हुआ है, वो भी मिस ऋचा के नाम से, और वो आपने पिक किया है। अंदर जाके चेक करो। अरे नहीं रुकिए, इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम ऋचा नहीं है, वो तो हमारी बिल्डिंग में एक लड़की आई है रहने, अभी नई नई शिफ्ट हुई है, उसने कहा कि क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए जाना। ये देखिए करीब 2 तोला। क्या है ये? इंस्पेक्टर साहब ये मेरा पार्सल नहीं है, यकीन कीजिए मैं सच बोल रही हूँ। आपको जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में आके करिएगा। चलिए सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जी आप कौन? नमस्ते आंटी, मैं ऋचा। अभी कुछ दिनों पहले ही घर नंबर 501 में शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? वो एक्चुअली आंटी मेरा ना आज एक पार्सल आ रहा है, उसमें मेरे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप क्या प्लीज़ वो रिसीव कर लोगे? मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और मुझे उसके लिए जाना पड़ रहा है। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ कि कौन हो तुम, फिर तुम्हारा पार्सल मैं कैसे रिसीव कर सकती हूँ? आंटी वो पार्सल एक्सप्रेस डिलीवरी से आ रहा है, अगर आज नहीं लिया तो कैंसिल हो जाएगा, और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स अपने लैंडलॉर्ड को देने हैं, और वो मुझे घर से निकाल देंगे अगर आज उन्हें वो नहीं मिले। लेकिन बेटा पर आंटी मैं किसी को भी यहाँ पे जानती नहीं हूँ, वरना मैं आपको परेशान नहीं करती, आप प्लीज़ मेरी डिलीवरी ले लीजिएगा। नहीं बेटा ये काम मेरा नहीं है, तुम जाओ बिल्डिंग के नीचे गार्ड बैठा है उसको जाकर बोलो, वो तुम्हारा पार्सल रिसीव कर लेगा। लेकिन आंटी मैं उस गार्ड को तो जानती भी नहीं हूँ, ऐसे अनजान आदमी को कैसे अपना पार्सल दे दूँ? बेटा जानती तो मुझे भी नहीं और ना मैं तुम्हें जानती हूँ, पर एक अनजान आदमी का पार्सल मैं कैसे रिसीव कर सकती हूँ? तुम जानती हो आजकल समय कितना ख़राब है, इतनी धोखाधड़ी चल रही है आजकल, पता नहीं उस पार्सल में क्या है, हो सकता है उसमें कोई इलीगल चीज़ हो जिसे लेकर मैं फंस जाऊँ, तुम तो चली जाओगी, लेकिन वो मेरे घर पर मेरे नाम से रिसीव होगा ना, तो पुलिस मुझे पकड़ेगी। नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, तुम जाओ और गार्ड को जाकर जाओ। जोर से बोलो हैप्पी।